इंदौर के विजयनगर स्थित शासकीय अस्पताल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जिस तरह से पूरे देश में किल्लत हुई थी, उसी को देखते हुए एफएमसी द्वारा आरण्य नगर स्थित शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। इस दौरान मंच पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला, एफएमसी कंपनी अध्यक्ष मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट किसी से छुपा नहीं था, न जाने कितनों ने अपनों को खोया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में महामारी के दौरान जिस तरह से देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, जिसमें इंदौर भी बचा नहीं था। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जिससे इंदौर में मरीजों की जान बचाई गयी। मुझे याद है, मैं उस समय बंगाल चुनाव में था, मेरे साथ गृह मंत्री जी एक कार्यक्रम में थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज बहुत भयंकर हो गया, दुनिया में जहाँ से जितनी ऑक्सीजन मिले सब लेना है हमें। तो गृह मंत्री जी ने मेरे सामने रात को 10 बजे से जो फ़ोन लगाना चालू करे, 1 बजे तक दुनिया के बहुत सारे देशों में उद्योगपतियों को, बड़े बड़े देश के उद्योगपति सबसे बात की, बोले कहीं से भी कैसे भी ऑक्सीजन मिले। और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने थल सेना, वायुसेना, जल सेना सबको लगा दिया और जगह लाए और हजारों लाखों लोगों की जान बचाई। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ा क्रूशियल समय था। उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा थी और उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत पूरी तरीके से सफल हुए, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने निर्णय लिया और सबको लगा दिया। देखिए, समस्याएँ आती है और हमेशा आती रहेगी, पर उसका निराकरण किस प्रकार होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोविड की समस्या आई हमारे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आई, पर यदि आप मोर्टिलिटी रेट देखेंगे, मृत्यु दर देखेंगे, तो दुनिया में हमारी जनसंख्या से कंपेरिजन करेंगे तो सबसे कम मृत्यु दर हमारे देश की थी, बीमार हुए लोग। एफएमसी कृषि विज्ञान के लिए किसानों के लिए काम करती है और किसानों की फसल सुरक्षा के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आती है। इसी को देखते हुए इंदौर में ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए। एफएमसी द्वारा शिवपुरी और इंदौर में ऑक्सीजन प्लांट खोले गए हैं। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदुरा द्वारा मेल क्षेत्र में 108 बेड का बीमा अस्पताल जन भागीदारी से बनाया जा रहा है, जिसमें करीब करीब तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि यह अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जहां सभी प्रकार का इलाज किया जाएगा। साथ ही उस अस्पताल में कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले एफएमसी कंपनी और रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेल क्षेत्र के इस छोटे से हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी से लगाया। एफएमसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने यहाँ के अलावा अन्य स्थानों पर भी ऑक्सीजन प्लांट दिए थे। हमारे जागरूक विधायक रमेश जी के प्रयास से यहाँ पर इंदौर में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड की दूसरी महामारी के दौरान जिस तरीके से सारे देश में हाहाकार मचा था, उसमें इंदौर भी बचा नहीं था। उस समय ऑक्सीजन की एकदम शॉर्टेज पड़ गई थी। हम सब लोगों ने मिलकर रिलायंस से, हमारे मित्रों ने अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन देकर इंदौर में काफ़ी लोगों को बचाया। पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी भी प्रकार कोविड नहीं, किसी भी प्रकार के चैलेंज यदि इंदौर के पास होंगे तो इंदौर का समाज, इंदौर का मेडिकल जगत और सामाजिक संस्थाएं सब मिलकर इंदौर के लिए काम करेगी। इसका उदाहरण जीता जागता आज इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं आप। 30 बेडेड छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगा है। अभी रमेश जी मिल क्षेत्र में एक और 108 बेडेड हॉस्पिटल जन भागीदारी से बना रहे हैं, बीमा हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी करीब करीब काफ़ी तैयारियाँ पूरी हो गई, उस हॉस्पिटल को भी जल्दी हम प्रारंभ करने वाले। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर पूरी तरह से तैयार है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।